नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है रिलायंस पावर लिमिटेड का। दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड का शेयर आज के दिन 4 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड की बात की जाए तो यह इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 17 जनवरी 1995 को हुई थी, यानी कि 26 साल पहले। इसके जो फाउंडर हैं वे धीरू भाई अंबानी जी हैं। इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है। इसके प्रोडक्ट की बात की जाए जो यह दोस्तों प्रोडक्ट्स बनाता है वे है दोस्तों इलेक्ट्रिकल पावर, नेचुरल गैस। सल्फेट की बात की जाए तो जो यह सल्फेट प्रोवाइड करता है वे है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और दोस्तों इसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं वो 8,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो दोस्तों रिलायंस पावर काफी अच्छी कंपनी है। इसका मार्केट कैप 12.57 बिलियन का है। और दोस्तों जिस बिजनेस एरियाज में यह पावर जनरेट करता है उसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। मैं आपको बता दूं किस एरियाज में यह पावर जनरेट करता है। वे हैं कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स, गैस बेस्ड प्रोजेक्ट्स, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, वाइंड पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, इनिशिएटिव्स इन रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन क्रेडिट्स। इस एरियाज में दोस्तों यह पावर जनरेट करता है जिसमें जिसकी दोस्तों मार्केट में काफी अधिक डिमांड है। तो दोस्तों आने वाला समय रिलायंस पावर लिमिटेड का काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी दिग्गज विदेशी कंपनी भी इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे। और दोस्तों अभी बजट में एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कंपनियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। तो दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में रिलायंस पावर लिमिटेड को भारत सरकार की ओर से कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। और दोस्तों ये अंबानी ग्रुप की कंपनी है तो जहां तक 90% चांसेज हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस पावर का जो स्टैक है वो खरीद सकती है, या फिर इसका शेयर होल्डर्स बन सकती है, या फिर इसको टेक ओवर भी कर सकती है, या फिर इसको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी दे सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज आने वाले समय में। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। इसके जो ओनर हैं दोस्तों अनिल अंबानी जी वे भी काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं और उन्होंने भी दोस्तों मुकेश अंबानी जी से इस बारे में बात की होगी कि किस तरीके से रिलायंस पावर लिमिटेड जो कंपनी है उसकी ग्रोथ किस तरीके से हो। और दोस्तों अभी रिलायंस इंफ्रा को दोस्तों डेब्ट फ्री करने के लिए अनिल अंबानी जी ने अपना जो सेंटा क्रूज में ऑफिस है उसको दोस्तों सेल किया है यस बैंक को 1200 करोड़ रुपए में। तो आने वाले समय में अनिल अंबानी जी की जितनी भी कंपनियां हैं वो सबकी सब डेब्ट फ्री होने वाली हैं, पूरी तरीके से कर्ज मुक्त होने वाली हैं और आने वाला समय इसका काफी अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों अभी डील्स की बात की जाए तो दोस्तों जो डील्स हुई है हाउसिंग डेवलपमेंट दोस्तों HDFC यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड HDFC ने दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड के दोस्तों 26 मार्च 2020 को 19,54,87,901 शेयर्स परचेज किए हैं। उस समय इसका प्राइस 1 से 1.5 रुपए भी के बीच में रहा करता था। तो दोस्तों इतनी दिग्गज बड़ी कंपनी ने इसमें पोजीशन बनाई है तो इसका आने वाला समय दोस्तों काफी अच्छा रहने वाला है। आप लोग चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों आप लोग रिलायंस पावर लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाई कीजिए, इसके जो शेयर की डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए और दोस्तों आप इसको अगले 6 से 7 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 6 से 7 साल में यह स्टॉक 281 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है।
जैसा कि आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं, 2008 में इसने हाई लगाया है 371.25 रुपए का। तो यहाँ से दोस्तों बाउंस बैक का चार्ट पैटर्न बन रहा है, आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो वह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।